गाइस थोड़ी सी हल्दी ज्यादा हो चुकी है तो अब सोडा को नक्स हो ना किस ये ना किस मैं तो एक ही जगह पर सारा डाल दी In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my... Hi guys, what's up? Welcome to my channel. Welcome to another Tuesday episode. मैं काफी confusion में थी, but I just thought कि ठीक है, let me share with you all my favorite ढोकला. जो येलो कलर का खमण होता है जिसे आप लोग ढोकला बोलते हो वो ढोकला नहीं है, दैट इज खमण. एंड ढोकला इज समथिंग जो मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ एंड ऑलमोस्ट सिखाने वाली हूँ और खुद भी सीखने वाली हूँ. तो आई एम गोइंग टू मेक ढोकला फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो ये प्रॉपर स्क्रैच से बनाएंगे, बैटर एंड एवरीथिंग. सो यहाँ पर है मेरे पास पतीला विच इज तपेली, एक कटोरी चावल एंड एक कटोरी चार अलग अलग तरीके वाली दाल. उड़द दाल है, मूंग दाल है, चना दाल है और तुअर दाल है. इसे हमें बहुत अच्छे से भिगोना है, ठीक है? पहले तो अच्छे से वॉश करना है. अच्छा, ठीक है. और उसके बाद हमें ऑलमोस्ट 5 to 6 hours भिगो के रखना है. दाल और चावल हमारे वॉश हो चुके हैं. कृपया करके इस स्टेप को अच्छे से फॉलो करें और इसे अभी ढक के रख दे भिगोने के लिए फॉर 5 to 6 hours. सी देन. 5 hours later. Hi guys, good morning. It's the next day. और जैसे आपने देखा था कि हमने रात में हमारा बैटर फोमेंट करने रख दिया था, so it's ready. And now we can make our mixed दाल ढोकला. Okay, so यहाँ पर मेरे पास है मिर्ची, लहसुन एंड अदरक. इसे हम एक अच्छा सा पेस्ट कंसिस्टेंसी ऑफ सॉस बनाएंगे जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे. मुझे थ्योरी सारी आती है, तो अभी प्रैक्टिकल जब मैं कर रही हूँ ना, तब मुझे सारी चीजें ना बहुत मस्त अच्छे से समझ आ रही है. तो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो अच्छे से मिक्स कर दिया है. नाउ वी एड इन सॉल्ट एंड अ लिटिल बिट ऑफ ट्यूमरिक और थोड़ा कलर के लिए हल्दी. नहीं गाइस, थोड़ी सी हल्दी ज्यादा हो चुकी है तो अब ऐसे ही करके ऊपर ऊपर से मैं निकाल लूंगी. क्या कर रहे हैं यार तू? That's it. Batter is almost ready. Almost ready means ready. Soda ko nak se ho na kis? Anya na kis. Soda. Very important. Kito na ko. Guys, ye theory nahi pata to mujhe soda kitna dalna rehta hai. Half chamach soda. स्टीमर में मैंने पानी भर दिया है तो उसे हम गर्म करने रख देते हैं. बाकी हम मीनवाइल सारी चीजें प्रेप करेंगे. सो ये है ट्रे जिसके अंदर हम बैटर को पोर करेंगे. इसके ऊपर पहले थोड़ा सा ब्रश सम ऑयल. गाइस, आज का मेरा नुस्खा है, जैसे हम मास्टर शेफ में अमूल नुस्खे सुनते हैं, आज का नुस्खा ये है कि अगर आप बैटर को ट्रे में डालने से पहले बहुत ज्यादा प्रॉपरली मिक्स करोगे और ऐसे यू नो फेंटोगे तो जो आपके ढोकले हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे. क्या बात है? That's a नुस्खा. Just some shoulder workout. फिर भी लगे. Wow. This smells so nice. पानी उबल रहा था. अचार मसाला विच इज ऑल्सो कॉल्ड मेथी मसालो. हम लोग इसे मेथी मसालो बोलते हैं एंड इसे मैं अच्छे से ऊपर स्प्रिंकल करूंगी. I like it. एक दो मिनट और एंड देन इट्स डन. सो गाइस, द ढोकला इज रेडी और इसके ऊपर हम डालेंगे एक बहुत ही टेस्टी यम्मी सा तड़का. तेल, राई, तेल गरम होने देते हैं एंड वी नीड तिल. अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तिल,
जनरली आप इसमें कड़ी पत्ता भी डालते हो, बट कड़ी पत्ता नहीं है तो फिर विदाउट कड़ी पत्ता. ओके अरे ये हो गया, मैं तो बंद कर दिया, मुझे तो सब जल जाएगा. मैं तो एक ही जगह पर सारा डालती हूँ. ये क्या बात करता है यार. या दिस शोज के ये दो तीन बार लगेगा मुझे समझने में और सीखने में. आई थिंक नॉट बैड गाइज, नॉट बैड. लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव डन अ वेरी गुड जॉब. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. नाउ द टास्क इज इस ट्रे को पूरा बाहर निकालो, मैं वहां पर रखूंगी और इसे हम अच्छे से पीसेस में कट करेंगे. लेट्स गो. द थिंग इज आई हैव एन आइडिया. ओह माय गॉड. ढोकला इज रेडी. बहुत हेल्दी और बहुत फुलफिलिंग एक ब्रेकफास्ट ऑप्शन बन सकता है. लाइक आई टोल्ड यू, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम मतलब मैं आज इसे ब्रेकफास्ट में ना होके लंच में खा रही हूँ विथ सम सांबार. ऑलमोस्ट लाइक इडली सांबार, बट आई थिंक अ बेटर वर्जन ऑफ इट, हेल्दियर वर्जन ऑफ इट, क्योंकि इसमें हमने बहुत अलग तरह की बहुत सारी दाल डाली है. लेट्स जस्ट टेस्ट इट. ओके आई थिंक सब ठीक है. इसका जो हीरो, वो जो ऊपर मैंने मेथी मसाला डाला है, अचार मसाला, आई थिंक वो पूरी लाइमलाइट लेके जा रहा है. मतलब मैं और भी डाल सकती थी. मेरी इस पर बहस हो गई मम्मी के साथ कि ज़्यादा डाल दिया, बट आई थिंक वो इतना टेस्टी लग रहा है. आई कैन एक्चुअली एड मोर एंड हैव इट, बट नहीं, ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते हैं. सो या आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय दिस विद सम सांबार. लव इट, लव इट. मज़ा आया. वेरी टेस्टी. मैंने बनाया इसलिए मैं तारीफ नहीं कर रही. आई थिंक इट्स रियली टेस्टी. Yeah, that's it for this video. I hope you enjoyed it. I mean, I was very confused कि ये ट्यूजडे क्या वीडियो आनी चाहिए. मैं एक्चुअली नहीं बनाने वाली थी, कुछ भी पोस्ट नहीं करने वाली थी, बट हियर इट इज. तो हाँ, प्लीज मेरी कन्फ्यूजन दूर करना, कॉमेंट में बता देना आप क्या और देखना चाहते हो ऑन एवरी ट्यूजडे एंड एवरी सैटरडे. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट. दैट्स इट. आई मीन आई सी यू ऑन सैटरडे. बाय बाय.